न्याय यात्रा निकाली है। किनके लिए न्याय यात्रा? न्याय यात्रा किसानों के लिए, न्याय यात्रा युवाओं के लिए, न्याय यात्रा जो लोगों को नौकरी नहीं है उनको नौकरी दिलाने के लिए, न्याय यात्रा जो इस अपने मध्य प्रदेश ही नहीं सारे देश में आज जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, ऐसे उनके खिलाफ ये न्याय यात्रा है। आदिवासियों को इन्होंने वनवासी कहना शुरू कर दिया। अब पता नहीं आप में से आप यहां युवा बैठे हैं, आप शायद कहो भाई इन दो शब्दों में क्या फर्क है, आदिवासी में और वनवासी में क्या बड़ा फर्क है। आदिवासी का मतलब वो व्यक्ति जो इस जमीन का सबसे पहला मालिक था, और ये आपको आदिवासी नहीं कहना चाहते, क्योंकि अगर ये आपको आदिवासी कहेंगे तो इन्हें आपको जंगल, जल और जमीन का हक देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में आपकी 22% है, 24% और हिंदुस्तान में आपकी आबादी 8% है। हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, आईएएस अफसर है, 90 में से एक अफसर आदिवासी, एक। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है बजट में तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। आबादी 8%, भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे। सबसे पहला कदम जाति जनगणना, जिससे सबको पता लग जाएगा इस देश में किसकी आबादी कितनी है, आदिवासी कितने हैं, उनके पास कितना धन है, कितनी संस्थाओं पर उनका कंट्रोल है, दलित कितने हैं, कितना धन है, कितनी संस्थाओं पर कंट्रोल है, पिछड़े कितने हैं, कितना धन है, कितनी संस्थाओं पर कंट्रोल है, साफ आपके सामने आ जाएगा। क्रांतिकारी कदम है। हरियाणा पंजाब के किसान दिल्ली की ओर चल रहे हैं, उन्होंने सिर्फ एक चीज मांगी है, एमएसपी चाहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बीजेपी की सरकार कहती है हम आपको एमएसपी नहीं देंगे। सौ अरबपतियों का उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया, मतलब 24 साल मनरेगा का पैसा उन्होंने 100 लोगों का माफ कर दिया, और किसानों का कर्जा माफ नहीं कर सकते, किसानों को एमएसपी नहीं दे सकते। हमारी सरकार आएगी दिल्ली में, पहला काम जाति जनगणना, दूसरा काम किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी। हमेशा वो टीका करते हैं कांग्रेस के ऊपर, परिवारवाद। अरे भाई, कोई हमारे पास कांग्रेस में
गांधी परिवार के प्राइम मिनिस्टर बने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, राजीव गांधी जी के बाद एक व्यक्ति किसी जगह पे हमारे देश में नहीं था। लेकिन आप लोग एक के पीछे एक लगे हुए हैं और खुद लोग आप सत्ता के लिए लड़ रहे हो। सत्ता अगर मिली तो सोनिया गांधी जी ने ठुकरा दी,